बीएससी होम साइंस वालों को क्या लेना चाहिए? नॉर्मली यहाँ पर सुजेशन जो दिए गए हैं वो है, बीएससी होम साइंस ग्रेजुएट शैल ऑप्ट एनी टू पेडागोजिक सब्जेक्ट, वन पेडागोजी ऑफ होम साइंस, अदर मे बी सब्जेक्ट स्टडीड एट ग्रेजुएट लेवल दैट इज साइंस और वन ऑफ द लैंग्वेज। आपके लिए सुजेशन ये है कि आप होम साइंस के साथ साइंस को ना चूज़ कीजिए, क्योंकि साइंस का एडिशनल पेपर देना लगभग नामुमकिन है। किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ इसके दो सोशल साइंस करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, इनमें से दो साइंसेस करनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। होम साइंस के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो TGT के लिए, ये ठीक है। दूसरा, आपको इनमें से ही लैंग्वेज में से ही चूज़ करना चाहिए, वो लैंग्वेज जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो चूज़ करनी चाहिए, और जिसके एडिशनल पेपर हर हालत में आपको BA के देने होंगे, एडिशनल BA, और ये पेपर आप BEd के साथ साथ भी दे सकते हो। उसके लिए डिफरेंट से वीडियो आपको देखना होगा एडिशनल पेपर का, BA का, पंजाबी यूनिवर्सिटी का, गुरु नानक का, पंजाब का। तो नेचुरली आपको लेना चाहिए, प्रेफर्ड एरिया आपका क्या होना चाहिए, होम साइंस इंग्लिश या होम साइंस अगर हिंदी मिलता है, मेरे ख्याल में हिंदी नहीं पढ़ा होगा, नहीं मिलेगा, होम साइंस पंजाबी, है ना। तो ये आपके बनते हैं होम साइंस के साथ इजी, कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बीएड करने के बाद इजीली एलिजिबल बन जाओ। कारण ये है कि इंग्लिश पंजाबी हिंदी इनके हर यूनिवर्सिटी एडिशनल पेपर कराती है, और पेपर देने इजी है, और इनकी नंबर ऑफ पोस्ट भी TGT की ज़्यादा निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू होम साइंस। दैट इज़ वाई आपको होम साइंस एंड लैंग्वेज चूज़ करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह। कोई क्वेश्चन हो इसी वीडियो के नीचे होम साइंस का पूछ सकते हो।